हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर एंड माइनर करेक्टर्स ऑफ द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट रिटन बाय मोहसिन हामिद। सो मेजर और माइनर करेक्टर्स हैं इसके अंदर। सो पहले हम जो है वो सम मेजर करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे पहला इसका मेजर करेक्टर है इस पूरे नॉवल का, वो है चंगेज़। चंगेज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक करेक्टर हु अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द नॉवल As he navigates his experiences in America and grapples with his Pakistani identity, Chengiz's character evolves from an ambitious and aspiring young professional to a disillusioned and conflicted individual. वो क्या कहता है कि जो चंगेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर जो है ना वो इसका है, जो कि एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है इस पूरे नॉवल के थ्रू, कि कैसे वो बिलोंग, उसकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो एक एम्बिशियस लड़का है जो कि अमेरिका में गया है, और उसके एक्सपीरियंसेस जो वहाँ पे रहे हैं वो उसको लीड करते हैं कि वो एक कॉन्फ्लिक्टेड इंडिविजुअल बन जाता है। हिज इंटरनल स्ट्रगल्स रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर थीम्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी असिमिलेशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि इसके जो तमाम इसकी इंटरनल स्ट्रगल्स हैं उसकी आइडेंटिटी और उसकी बिलोंगिंग को लेके, वो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर थीम्स देता है इस पूरे नॉवल के अंदर। वो थीम्स कौन कौन से हैं, कल्चरल आइडेंटिटी के और असिमिलेशन के, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स के, वो कैसे एक इंडिविजुअल को जो है वो इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट जो मेजर करेक्टर है वो अगर हम बात करें तो अमेरिकन स्ट्रेंजर का है, जिसके साथ बैठ के चंगेज़ लाहौर पाकिस्तान के कैफ़े के अंदर कन्वर्जेशन करता है, जो कि मेन थीम भी है, मेन प्लॉट भी है इस पूरे नावल का। द अमेरिकन स्ट्रेंजर सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट करेक्टर इन द नावल, रिप्रेजेंटिंग द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एंड एक्टिंग एज अ साउंडिंग ब्रॉड अबाउट फॉर चंगेज नैरेटिव। ऑल्दो द अमेरिकन स्ट्रेंजर्स आइडेंटिटी इज डेलिबरेटली लेफ्ट एम्बिगुअस, क्योंकि बताया नहीं गया कि वो कौन था, कैसा था, कहाँ से आया था, लेकिन बस बात की गई है कि वो एक अमेरिकन जो है वो स्ट्रेंजर था। हिज प्रेजेंस सिम्बलाइज द कल्चरल डिवाइड एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट रिलेशंस। ऑब्वियसली अगर हम दो करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज बताता है ईस्ट और वेस्ट के रिलेशंस के अंदर। Through their conversation, the character highlights the power dynamics, misunderstandings and prejudices that shape the narrative, कि कैसे वेस्ट के अंदर ईस्ट के लोगों के बारे में एक perspective और एक misunderstanding रखी जाती है, prejudices रखी जाती है, और कैसे ईस्ट के अंदर वेस्ट के लोगों के बारे में भी misunderstandings और prejudices रखी जाती हैं, और वो कैसे पूरे narrative को बदलता है। Next, अगर हम minor characters की बात करें, कुछ नए minor characters भी हैं। सो जो सबसे पहला माइनर करेक्टर है इस पूरे नॉवल के अंदर वो एरिका है। एरिका इज अ सिग्निफिकेंट करेक्टर इन चंगेज लाइफ, रिप्रेजेंटिंग द एल्योर एंड चैलेंजेस ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। वो बताती है उसकी जो उसके लाइफ के अंदर तमाम चैलेंजेस होते हैं सोसाइटी के, अमेरिकन सोसाइटी के बारे में इस करेक्टर के थ्रू जो राइटर है वो डिपिक्ट करता है। हर स्ट्रगल्स विद ग्रीफ एंड मेंटल हेल्थ आफ्टर द डेथ ऑफ हर फॉर्मर बॉयफ्रेंड क्रिस रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर सेंस ऑफ लॉस एंड डिसिल्यूजनमेंट। ऑब्वियसली उसके जो उसका जो एक बॉयफ्रेंड होता है चंगेज़ से पहले क्रिस जिसका नाम होता है, उसकी डेथ की वजह से उसको जो मेंटल हेल्थ उसकी जो ख़राब होती है और उसको डिफरेंट लॉस, सेंस ऑफ लॉस से और डिसअलाइनमेंट से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में ये करेक्टर हमें बहुत डिटेल में बताता है। और द मेंटल हेल्थ ऑफ द अमेरिकन पीपल इट ऑल्सो टेल्स अबाउट दैट। एरिकाज करेक्टर सर्व्स एज एन कैटलिस्ट फॉर चंगेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल कनेक्शंस। एरिका का जो करेक्टर है वो चंगेज के लिए ये बताता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो है वो बायस बनता है कि वो खुद को उसकी उसकी लाइफ के अंदर क्वेश्चन रेज होते हैं और वो उसकी लिमिटेशंस को जो है ना क्वेश्चन करता है उसकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल कनेक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट जो माइनर करेक्टर है वो जिम है। जिम इज चंगेज अ बॉस एट द वैल्यूएशन फर्म एंड रिप्रेजेंट इज द आर्कटाइप ऑफ अ सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेसमैन, कि वो एक अमेरिकन सक्सेसफुल बिजनेसमैन को डिपिक्ट करता है ये करेक्टर। ही इनिशियली सर्व्स एज अ मेंटोर टू चंगेज, कि वो पहले पहले तो उसका मेंटोर के तौर पे काम कर रहा था, बट हिज एक्शंस एंड एटीट्यूड्स आल्सो रिफ्लेक्ट द पावर डायनेमिक्स एंड कल्चरल प्रेजुडाइसेस प्रेविलेंट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर पावर डायनेमिक्स कैसे काम करती है। एक खास इवेंट के बाद जो कि 9/11 हुआ, उसके बाद उसका बिहेवियर डिफरेंट हो गया था, उसकी प्रेजुडाइसेस कैसे हैं प्रिविलेंट हो गई थी, कल्चर प्रेजुडाइसेस। जिम्स करेक्टर एक्सपोजेस द प्रेशर ऑफ एसिमिलेशन एंड द कॉम्प्रोमाइजेस इंडिविजुअल्स मे मेक टू फिट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटल मोड, के कैसे वो ये करेक्टर हमें डिपिक्ट करता है, बताता है कि कैसे एक दूसरी जगह से आए हुए बंदा जो कि डिफरेंट आइडेंटिटी रखता है जैसे कि चंगेज़ है, अगर उसको डिफरेंट होमलैंड जैसे अमेरिका में
खुद को अडॉप्ट करवाना है या वहाँ रहने की कोशिश करनी है, तो कैसे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे भी। नेक्स्ट जो माइनर करेक्टर है वो वेन राइट का है। एंड वेन राइट एंड ओल्डर कलीग एंड फ्रेंड ऑफ चंगेज प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग परस्पेक्टिव टू जिम। वो बहुत डिफरेंट है उससे। ही इज स्केप्टिकल ऑफ कॉरपोरेट वैल्यूज एंड द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, चैलेंजिंग चंगेज इवॉल्विंग बिलीव एंड हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी एंड अलायंस। वेन राइट्स करेक्टर ऑफर्स अ क्रिटिकल वॉइस दैट प्रॉम्प्ट्स चंगेज टू क्वेश्चन हिज ओन चॉइसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिज एसिमिलेशन इनटू अमेरिकन सोसाइटी। कि ये जिम से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये करेक्टर भी उसको क्वेश्चंस करने पे उभारता है अपनी आइडेंटिटी के बारे में चंगेज़ को, कि उसको कैसे ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट होंगी, कैसे उसके जो अपने इवॉल्व हो रहे हैं अपने बिलीव्स जो हैं उसके, और उसको उसकी हाईलाइटिंग हाईलाइट कर रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो कि उसकी आइडेंटिटी में उसको मिल रही है। सो ये जिम से बहुत डिफरेंट है, जो कि कहता है कि अपनी जो आपकी बिलीव्स हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा रहना चाहिए। नेक्स्ट जो माइनर करेक्टर है वो है जॉन बटिस्टा का। इज चंगेज फ्रेंड फ्रॉम प्रिंसटन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उसके दोस्त, उसका दोस्त है ये। रिप्रेजेंटिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम एंड इट्स एक्सेसेस। कि वो अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात करता है, जो कि आज एक, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एशिया में जो वेस्ट का जो पूरा एक नैरेटिव है कि वहाँ जाके आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, उस तमाम चीज़ों के बारे में बात करता है। हिज करेक्टर सिम्बलाइजेज द परस्यूट ऑफ मटीरियल वेल्थ एंड प्लेयर्स। कि वो उसका जो पूरा करेक्टर है वो सिम्बलाइज करता है परस्यूट और मटीरियल वेल्थ के बारे में बात करता है, प्लेयर के बारे में बात करता है। विच कॉन्ट्रास्ट विद चंगेज मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड सोशली कॉन्शियस माइंड सेट। कि वो चंगेज से थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में। चंगेज दो इज इनिशियली अ वेरी मटीरियलिस्टिक करेक्टर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज सेट ऑफ बिलीव्स के बारे में पता है और वो उनके अनकॉन्शियस में है, और वो अपनी अनकॉन्शियस उसको इस चीज़ में मजबूर करती है कि वो उसी तरह बिहेव करे। जॉन बटिस्टा सर्व्स एज अ फॉयल टू चंगेज, एम्फसाइजिंग द स्टार्क डिफरेंस इन देयर वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। के ये करेक्टर बताता है कि कैसे एक जो सोसाइटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, वो कैसे डिफरेंट होती हैं। सो ये चंगेज़ का करेक्टर बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट पे था, और जॉन बटिस्टा बिल्कुल एक डिफरेंट करेक्टर है। So thank you so much for watching the video. This is all about this video, the major and minor characters of the Reluctant Fundamentalist by Mohsen Hamid. If you like the video, please hit the bell icon and please comment below in the comment section. Thank you so much, and please do share it with your friends.